अलग अलग तरीके के सब्जी मिलेगा आपको यहाँ पे, सूखा मछली ना, और ये सारे कपड़े के। ये कितने का है भैया बैग? ये जूते सारे। इसमें कौन सा मछली है? ये गोल्ड फिश है। So right now it's 6:32 in the morning. So यार आज जो अपना नींद है वो बहुत जल्द खुल गया। I don't know why. Maybe शायद प्यास लगा था। 5 बजे से मैं उठा हुआ हूँ। चलो फिर से एक बार सोने की ट्राई करते हैं। 9 बजे मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं ट्राई किया लेकिन नींद नहीं आ रहा है। Maybe शायद नींद पूरा हो गया हो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और बताओ कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे। सो यार ये वीडियो तो मैं सुबह ही शूट कर रहा था, बट अभी मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मैं वेलकम करना भूल गया था। सो अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, मतलब उस टाइम पहुँच चुके थे। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल MI-172 हेलीकॉप्टर। तो ये हमारा नाहरलगुन का हेलीपैड और काफ़ी सुंदर है, आगे का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। ओके सो इस टाइम पे मेरा ऑफिस टाइम तो खत्म हो चुका था और आज संडे भी था और यहाँ पे लगता है द फेमस संडे मार्केट, तो क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। सो चलिए। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह बिकता है, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको क्या क्या सब्जी है इधर। केला है, नारियल है, मूली है, पूरा सब्जी का ही मार्केट है ये। इस साइड में अलग अलग तरीके के सब्जी मिलेगा आपको यहाँ पे। देखो प्याज, मतलब जो भी सब्जी आप ढूंढते हो मार्केट में। ये है कुछ मच्छी का जो होता है सड़ा हुआ, आई डोंट नो क्या भैया ये क्या है, सूखा मछली ना। ये सारा अलग अलग तरह का सूखा मछली है, वो पूरा इसी से स्मेल भी कर रहा है। इधर मिर्चा वगैरह, भीड़ तो खैर अभी तो कोविड है तो उतना भीड़ नहीं है। टमाटर कैसे है भैया? 70। इधर पूरा साग कह रही है ना, अलग अलग तरीके का साग जो होता है। इधर आपको ब्लैंकेट, तकिया, पिल्लो वगैरह का भी मार्केट है यहाँ। चिकन वगैरह का भी है। लौकी कैसे है भैया? भैया करेला कैसे होगा? 80। ये बंदा गोभी है इधर, भिंडी, अदरक, प्याज, खीरा बहुत फ्रेश भी मिलता है यहाँ पे, वो पूरा उधर मार्केट का ही। और इस मार्केट में जलेबी वगैरह भी आप खा सकते हो अगर आपको मन है तो, बट मैंने कभी खाया नहीं है यहाँ का जलेबी। बट सब ताला चाबी वगैरह भी यहाँ मिलता है, कैंची, सॉक्स, बेल्ट। ओरिजिनल नहीं होता है बट फिर भी ठीक है। और ये सारे कपड़े की मार्केट है इधर, तो लड़का लड़की सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। हर तरह के टी शर्ट, शर्ट्स, ये सब यूज्ड हैं ये सारे जो। ये देखो ये पूरे कपड़े के ही मार्केट है, ये वाला लाइन पूरा कपड़ा का है। चाहते हैं तो इधर आपको बेल्ट वेल्ट दिख जाएगा, सिंगार का सामान वगैरह आपको जो भी अगर लेना है तो इधर भी मिलेगा। बेल्ट वेल्ट हर तरह का, बेल्ट, स्लीपर्स अगर लेना है नॉर्मल में तो आप ले सकते हो यहाँ पे। फिर फल वल भी मिलता है, हर तरह के फल मिलेंगे आपको यहाँ पे। इधर आपको राशन का सामान लेना है वो भी मिलता है, जूते वगैरह भी मिलेगा, बर्तन अगर आपको लेना है तो भी ले सकते हो। घुसते ही आपको ये कुछ कारपेट्स, मैट्स वगैरह का मार्केट है, बर्तन वगैरह का है। ये देखो एक से एक तरह के बर्तन यहाँ पे हैं। ये देखो पूरे बर्तन के ही ये लाइन है और काफ़ी सस्ते दाम में मिलते हैं और काफ़ी अच्छे भी होते हैं। ये पूरा बर्तन का लाइन है। ये हाउस होल्ड आइटम्स, कैप्स वगैरह आपको लेने हैं। इस लाइन में अगर आते हैं तो कपड़े वगैरह भी सस्ते सस्ते मिलते हैं यहाँ पे। ये देखो सारे कपड़े के लाइन है इधर। ये सॉक्स वगैरह कपड़े के लाइन है ये सारे। ये मछुआरों लोग के लिए जो मछली वगैरह मारते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है। जाली इसमें ये मेटल का लगा हुआ है ये, ताकि वो हैवी रहे थोड़ा, इसमें लकड़ी का लगा है इधर। इधर आपको टॉर्च वगैरह भी लेना है अगर आप ले सकते हो लाइट का कोई भी। ये देखो फिर से वही सूखा मछली, बहुत गंदा स्मेल कर रहा है ये। ये सब्जी के जो बीज होते हैं हर तरह के वो यहाँ पे हैं। ये देखो मसाले इधर, हर टाइप के मसाले, धनिया, सरसों, जीरा, हर इधर से। अगर बैग्स वगैरह लेने हैं तो बैग्स वगैरह भी ले सकते हो आप, हर तरह के हर टाइप के बैग्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये कितने का है भैया बैग? 550। ये सारे बैग्स का ही मार्केट है। ये देखो इधर लेडीज़ का है कुछ कुछ, ये बेडशीट, टॉवल वगैरह का आ गया इधर। ये देखो ये भी पूरा कपड़े का ही लाइन है इधर, इधर बेडशीट वगैरह, ये गद्दे वद्दे का है इधर, सर्दी के लिए जैकेट्स वगैरह हैं। चलो मैं आपको जूते का दिखाता हूँ, ये चप्पल जूते जहाँ पे हैं, ये जूते सारे। तो अभी फाइनली पहुंच गए हम रोड पे, अभी जा रहे हैं गेस्ट हाउस अपना। इसमें कौन सा मछली है ये? कौन सा मछली है? गोल्ड फिश है। क्या स्टोन है क्या डाला हुआ है अंदर?
कलर स्टोन है ना? हाँ, एक का 500 है। सर अभी टाइम हो गया है 16:38 और मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ। तो ऑफिस से आने में रास्ते में पड़ता है, सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का मार्केट दिखाया जाए कि आज तो संडे है तो आपका ऑफिस कैसे। तो जी हाँ, ये एविएशन है, यहाँ पे संडे मंडे कुछ नहीं होता है। अगर काम हो गया तो सारा दिन काम करना पड़ता है, नहीं तो आपको छुट्टी भी रहता है। वैसे तो संडे को छुट्टी रहता है, एक्स्ट्रा काम रहता है। आज पेपर वर्क बहुत था तो आपको जाना पड़ता है। अभी 2-3 काम मुझे और करने हैं। द एविएशन माइंड चैनल यानी कि मेरे मेन चैनल का जो वीडियो है संडे क्यू एन ए, वो शूट करना है आज। तो चलते हैं थोड़ा सा टेरिस्ट पे घूमने। तो यार जो मैं आपको डेली मार्केट दिखाया है, देखो ये वाला एरिया इतना दूर में लगता है पूरा डेली मार्केट यहाँ का। यार सूर्यास्त तो अपना हो चुका है, मैं थोड़ा सा लेट कर दिया ऊपर आने में। ये देखो यहाँ पे खेती हो रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो किसान है वो किस तरह से खेती करते हैं। छोटा सा ट्रैक्टर है, ये आउट ऑफ फोकस क्यों जा रहा है भाई। सो यार मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा ऑफिस के बाद में ऊपर आके थोड़ा सा टहल लूँ ताकि जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए। और यार नेचर के साथ जूस कॉफ़ी और चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, तो मैं अभी जूस लेके आ गया हूँ ऊपर पीने के लिए। ये देखो जितने भी लोग जा रहे हैं सारे डेली मार्केट में जा रहे हैं। सो यार प्रीवियस व्लॉग में मैं अपना आईएलपी दिखाया था, तो लोग बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यार ये आईएलपी क्या होता है और कब तक वैलिड होता है, क्यों मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं मैं डेफिनेटली आपको क्लियर करूंगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, यहाँ पे क्या अच्छा चीज़ है और यहाँ पे एंट्री कैसे मिलता है, वो किसी और ब्लॉग में डिस्कस करूंगा। मैं एक अलग से इसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर या तो पहले मैं आपसे बात कर लूं या मैं जूस पी लूं। मेरा जूस इतना का इतना ही है, मैं अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूं। मैं पहले जूस पी के फिर आपसे बात करता हूं। सर अभी शाम हो गए हैं तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पेंट करता हूँ। सर यही था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। सो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।